राजा परीक्षित और सुखदेव जी मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु सब कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तो क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो कितने नरक लोक हैं? चलिए स्वर्ग लोक में तो पता चल जाता है कि हम वहां पर पुण्य किया तो वहां गए, वहां पर आप आनंद में रहते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है, पर ये नरक लोक क्या है? वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? कितने नरक लोक हैं? क्या पाप करने से क्या दंड मिलता है? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक नहीं दो नहीं कुल 28 नरक लोक हैं। कितने हैं जोर से कहिए, 28 नरक लोक हैं। अब उन नरक लोकों में जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको दंड दिए जाएंगे। चलिए उदाहरण में आपको किसी और चीज को लेकर देती हूं, दंड तो बड़े भयंकर हैं। तो अब मान लीजिए घर का कपड़ा है जो डस्टिंग करते हैं ना हम, खाली थोड़े जाले पड़ जाए या धूल जमी हो तो उसको पोछने के लिए जो कपड़ा रहता है, धूल झाड़ने के लिए, मान लीजिए वो डस्टिंग के घर का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करोगे? पानी में डालेंगे, धोएंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, साफ करेंगे और वो साफ हो जाएगा, अच्छी बात है। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करेंगे? उसे पानी में डालेंगे, फिर वो कौन सा साबुन आता है जिससे आप साफ करते हैं? रिन और भी जितने आते हैं महाराज, तो वो उनसे पहले उसे साफ करेंगे, फिर खूब निचोड़ेंगे, कूटनी से पीटेंगे उसे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब मान लीजिए कि चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उस कपड़े को कैसे साफ करेंगे? तो उसे गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर उसमें वो कॉस्टिक सोडा वगैरह जो भी होता है वो डालेंगे, फिर उसे साफ करेंगे, कूटनी से पीटेंगे, खूब निचोड़ेंगे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसे पाप वैसा दंड, जैसा कपड़ा वैसा साफ करने का तरीका। अब मैंने तो चलिए आपको उदाहरण बताया, सुखदेव जी ने तो उदाहरण नहीं बताए थे, उन्होंने तो जो असल में दंड होते हैं वो बताया। तो राजा परीक्षित बहुत डर जाते हैं इन दंडों को सुनकर। कल की कथा हम सबने सुनी, ध्रुव कथा सुनी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा अंग जी के वंश में राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े पाखंडी राजा थे, उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी, और वे इसका तर्क भी देते थे। अब कोई तो कहे कि भाई मेरा मन, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूं, पर वे इसका तर्क देते थे ये कहकर के शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा में 6 देवता निवास करते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा उनसे परेशान हो गई थी, ऋषिगणों के पास गई, ऋषिगण आते हैं, उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं राजा को, पर वे नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं, तो क्रोध में आकर श्राप से राजा को वहीं भस्म कर देते हैं, तो राज सिंहासन खाली हो गया, कौन बैठे? प्रजा दुखी हो गई, ऋषिगणों ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं, अगर आप कहो तो भगवान को ही बुला लेते। प्रजा ने कहा उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक लोटा मंगाया गया, उसमें जो राख थी राजा की वो डाली गई, दूध डाला गया, फिर मंथन किया गया,
मंथन करते हैं करते हैं, करते 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 उसमें से कौआ उड़कर चला जाता है। प्रजा ने पूछा ये कौन है, बोले ये राजा के पाप थे जो चले गए। फिर मंथन किया जाता है करते 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 साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी का ये एक अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। उन्होंने कई वर्ष राजकाज को संभाला। इसी वंश में वृषभ देव जी हुए,